हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्लिंग क्राफ्ट्स। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक DIY शेयर करने जा रही हूँ, जो कि वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बना हुआ है क्ले का यूज करके। तो चलिए ये क्राफ्ट मैं कैसे बनाई हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस क्राफ्ट। तो पहले एक प्लास्टिक बॉटल ले लेना, उसके ऊपर मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है। फेविक्राल का मोल्डेड क्ले आता है, उसको आप यूज करके एक अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। उसको दोनों को मिक्स करके फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पतला पतला रोल बना के पहले बॉटल के ऊपर आप लेयरिंग कर देना, जैसे मैं की थी शुरू में। उसको करने के बाद हम उसका जो अंदर वाला शेप में दी हूँ उसको हम बनाएंगे। तो इसको पूरा मतलब धीरे धीरे से करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और इसको आप मिक्स करने के बाद 5 मिनट बाद ही शुरू करिए, ताकि ये थोड़ा अच्छे से आपका रोल हो पाए। तो अभी जैसे देखिए शेप अभी बन गया है, ऐसे आपको शेप्स बना के इसके ऊपर पेस्ट करना है। मैं और एक दिखा रही हूँ कैसे बनाई हूँ। तो देखिए अब सारे शेप्स मेरे बन गए इसके ऊपर। अभी मैं फेविकॉल की मदद से इसको चिपकाऊंगी। और ये बॉटल जो मैं ली हूँ, इसके अंदर मतलब एक टी शर्ट आया हुआ था, तो वो जो टी शर्ट यूज होने के बाद ये बॉटल मेरे को मिल गया। तो ये मैं बॉटल को यूज करके इसके ऊपर आर्ट बना रही हूँ। तो आपके पास ऐसे शेप का भी नहीं होगा तो आपके पास कोई सा भी थम्सअप का बॉटल आता है, आप उसको भी काट के ऐसे यूज कर सकते हो। तो अभी देख रहे हो इसको मैं लगा रही हूँ, तो ऐसे अभी ये पूरा लग गया है सब में। अभी इसके ऊपर मैं पेंसिल से डॉट डॉट डिजाइन दूंगी। तो ये अभी हो गया है। और ये जैसे देख पा रहे हैं, मैंने ये कलर चूज कर लिया था, लेकिन बनने के बाद ये उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैं इसको फिर से रीपेंट कर रही हूँ। तो आप ये स्टेप को फॉलो मत करना, आप डायरेक्टली ब्लैक कलर यूज करना उसके ऊपर आपका क्ले लग जाने के बाद। और ये उसका कवर था, तो उसका नीचे वाला पार्ट को भी मैं ऐसे डिजाइन कर दी हूँ क्ले से। अब उसको इसके ऊपर चिपका दूंगी। आपके पास ये कैप नहीं होगा इस तरह का, तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो उसका बेस बनाने के लिए। तो ये जो है फेविक्राइल का सिल्वर का कलर आता है, सिल्वर ग्लिटर आता है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका सिल्वर आता है, गोल्डन भी आता है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है, वो डिजाइन सब उभर के आ रहा है। आपको अगर गोल्डन लुक देना है तो आप गोल्डन कलर, गोल्डन ग्लिटर यूज कर सकते हो। तो अभी मैं सिल्वर कलर की हूँ इसको, थोड़ा एंटिक लुक देने के लिए। तो बनने के बाद काफी सुंदर लगेगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको अगर ये क्राफ्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और आप लोग ट्राई करिए और मुझे DM कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।